फ्रेंड्स, यदि आप घर में चुकंदर लाते हैं और उसको यूज़ करने के बाद उसके छिलके फेंक देते हैं, तो आज मैं इनका उपयोग प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र के रूप में किस तरह से करते हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट हैं, इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप इन छिलकों को ना फेंकें और इन छिलकों को आप अपने प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्लांट के लिए, चाहे वो रोज़ का प्लांट हो, गुलदाउदी हो या बोगनविलिया हो, किसी भी तरह के फ्लावर प्लांट के लिए और वेजिटेबल प्लांट के लिए यूज़फुल फर्टिलाइज़र है। इसके बेनिफिट की बात करें तो ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, बोरॉन, इनका बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है और ये जो हमारे प्लांट के लिए बेनिफिशियल एलिमेंट प्रोवाइड कराता है। तो ये चुकंदर का अभी सीज़न चल रहा है और चुकंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मार्केट में आ रहा है, तो आप यदि चुकंदर का यूज़ करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि आपको करना क्या है। आप इसका दो तरह से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। एक आप इस तरह से सॉलिड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। तो आपके लिए चुकंदर को छोटे छोटे पीसेज में काट लेना है। यदि आप चुकंदर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ छिलकों का यूज़ कीजिए। मैंने ये छिलके रखे हैं, चुकंदर हम अपने खाने में यूज़ कर लेते हैं और जो छिलके फेंकते हैं उनको ही आप फेंकें नहीं और एक जार में इकट्ठा कर लें। इस तरह से ये जार है, मैंने जार लिया है और इसमें हम चुकंदर, जितने भी आपके पास चुकंदर हैं उतने चुकंदर आप अपने जार में इकट्ठे कर लें और इसमें पानी भर दें। इस तरह से मैंने पानी भर दिया है। देखिए, पानी भरने के साथ ही इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया। अब इसको आपको दो दिन के लिए ढककर रख देना है। आप इसका ढक्कन लगा के और इसको ढककर रख दीजिए। दो दिन बाद आप देखेंगे कि इसका पूरा चुकंदर के छिलकों का रस इसमें मिल गया है और इसका देखिए बहुत ही डार्क रेड कलर हो गया है। तो इसका मतलब हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है और इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे और छान के हमारे प्लांट में डालेंगे। आपको जितना पौधों में देना है उतनी मात्रा में आप इसे छान, इस तरह से ये फर्टिलाइज़र छान लिया है। इस फर्टिलाइज़र को हम अपने किसी भी प्लांट की सॉइल में इस तरह से डाल देंगे। बात करेंगे इसको दूसरी विधि, जो दूसरी तरह से हम बना सकते हैं। इसके लिए आप छिलके सुखा लीजिए और छिलके सुखाने के बाद आप पीस लें। पीसने के बाद इसको मिट्टी में हल्की सी गुड़ाई करके और स्टेम से थोड़ा दूर इस तरह से आप जगह बना लें और फिर उसमें इस तरह से आप मिट्टी के नीचे डालकर और इसको दबा सकते हैं। इसके अलावा आप इसका यूज़ कंपोस्ट में भी कर सकते हैं तो आपका बहुत अच्छा कंपोस्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप चुकंदर के छिलकों का यूज़ कर सकते हैं।